मीनू की गाय उदास क्यों है? सुप्रभात मीनू, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। देखो हमारी गाय लक्ष्मी कितनी उदास है। लक्ष्मी उदास है? आओ चलकर पता लगाएं कि क्या हुआ है। सुप्रभात लक्ष्मी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारा बछड़ा भी कितना प्यारा लग रहा है, मगर तुम कुछ उदास दिख रही हो, क्यों? सुप्रभात मीनू, मैं उदास हूँ। मैं सोच रही थी कि बड़ा होकर मेरा बछड़ा क्या करेगा। वह खेत जोतने में किसानों की मदद कर सकता है, सभी बैल यही तो करते हैं। मगर अब नहीं कर सकेगा। आजकल सभी किसानों के पास ट्रैक्टर है, यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी के पास भी ट्रैक्टर है। वे खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग नहीं करते। कुछ साल पहले सिर्फ बैल ही खेत जोता करते थे। ओ, तो तुम इसीलिए उदास हो लक्ष्मी? परेशान मत हो, हम तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखेंगे। मगर तुमने क्या कहा, क्या कुछ वर्ष पहले ट्रैक्टर नहीं थे? हाँ जीनू, मुझे आज भी वे दिन याद हैं। केवल ट्रैक्टर ही नहीं, खेती में बहुत सी चीजें अलग थीं। खेती में अलग चीजें थी, मगर कैसे? उन दिनों गांव में सभी खेती करने में एक दूसरे की मदद करते थे। फसल कटने पर बड़ी दावत दी जाती थी, सभी लोग मिलकर खाते थे और खुशी मनाते थे। वे मुझे सजाकर अच्छी अच्छी चीजें खाने को देते थे। वे मुझ पर रंग बिरंगा कपड़ा डालकर नई घंटी बांधते थे। नई घंटी? डिंग 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 डिंग। हाँ लक्ष्मी, दादी माँ भी यही बातें बताती हैं। वे हमें बताती हैं कि विशेष मौकों पर वे किस प्रकार के पकवान बनाया करती थी, फिर बहुत सारे लोग मिलकर खाया करते थे। ठीक कहा, मगर आजकल सभी व्यस्त हैं। दादी माँ बताती हैं कि अब वे उस प्रकार के विशेष पकवान भी नहीं बनाती। सही बात है, पहले लोग खेती से जुड़े अनेक त्योहार मनाया करते थे, अब अधिक त्योहार नहीं मनाए जाते। मुझे पता है, भारत के विभिन्न भागों में फसल कटाई पर त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी, असम में बिहू, केरल में ओणम और अनेक राज्यों में मकर संक्रांति। मगर अब लोग इन त्योहारों को स्वयं ही मना लेते हैं। अनेक स्थानों पर इन त्योहारों में पूरा गांव शामिल नहीं होता। ठीक कहा, मगर परेशान मत हो लक्ष्मी, हम फसल कटाई का आने वाला त्योहार अच्छी तरह मनाएंगे। मीनू देखो, यह सब्जी वाला है, इसके पास बढ़िया बड़े बड़े भुट्टे हैं। आओ चलकर इन्हें खरीदें, फिर दादी माँ इन्हें उबालकर मुझे देंगी। मुझे भुट्टे बहुत पसंद हैं। आओ बस,
भुट्टे खरीदें। लक्ष्मी, मैं तुम्हें और तुम्हारे बछड़े को भी कुछ भुट्टे दूंगी। इस भुट्टे को देखो मीनू, यह बढ़िया और बड़ा है, यह रसीला भी लग रहा है। हाँ, मैं रसीला हूँ, मैं बहुत स्वादिष्ट भी हूँ। ओ देखो, भुट्टा बात कर रहा है। नमस्ते भुट्टे, तुम बढ़िया और पीले हो। नमस्ते बस। नमस्ते मीनू, मैं बढ़िया हूँ क्योंकि पापा मामोसी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। पापा मामोसी, वे कौन है? मैं तुम्हें अपने बारे में सब बताऊंगा। मैं कर्नाटक से आया हूँ। पापा मामोसी और उसके पति बसवप्पा किसान हैं। पापा माँ बीज संभाल कर रखती हैं। वे अपने संभाले बीजों से ही फसल उगाती हैं। इसीलिए मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ। बीज संभालने वाली, वे क्या करती हैं? वे बीज कैसे संभालती हैं? उसकी रसोई में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन हैं। प्रत्येक कटाई के बाद वे कुछ अच्छे बीज संभाल कर इन मिट्टी के बर्तनों में रख देती हैं। फिर वे अपनी अगली फसल के लिए इन बीजों का प्रयोग करती हैं। वे एक समझदार स्त्री हैं भुट्टे, मगर सभी किसान बीज नहीं संभालते। बहुत साल पहले सभी किसान बीज संभाला करते थे, मगर आजकल अधिकांश किसान बाजार से नए बीज खरीदते हैं। वे कहते हैं कि पुरानी फसल के बीजों को वे संभालना नहीं चाहते। ओह, तो वे बाजार से बीज खरीदते हैं और पापम्मा अपने बीज संभालती हैं और उन्हीं का प्रयोग करती हैं। ठीक कहा, पापा माँ ने अपने ही बगीचे में लगाए सब्जी के पौधों से यह काम करना शुरू किया था। वे अच्छे बीज संभाला करती थी और उन्हें दोबारा बो देती थी। उन्हें बढ़िया फसल मिलती थी। उनकी सब्जी बाजार से लाई सब्जी से ज्यादा स्वादिष्ट होती थी। हमारे गांव के बड़े लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले तक भोजन का स्वाद बहुत अलग हुआ करता था। वे बताते हैं कि भोजन में अब वह स्वाद नहीं है। वह इसलिए क्योंकि पहले वह खेतों की ताजी सब्जियां खाया करते थे। बीज पुरानी फसल के ही हुआ करते थे। आजकल किसान खेतों में अनेक प्रकार की रासायनिक खाद और दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं। खाद, दवाइयाँ, वह क्या है? ये दवाइयाँ फसल से कीड़ों को दूर रखने के लिए प्रयोग की जाती हैं। नए प्रकार के बीजों से निकली फसल ऐसी होती है कि इस पर कीड़ा आसानी से लग जाता है। किसान फसल पर इन दवाइयों को छिड़कते हैं। ओह, क्या ये दवाइयाँ हैं? मैंने किसानों को नली जैसी चीज से यह छिड़कते देखा है। ईक, इसकी बदबू कितनी बुरी है। मुझे भी ऐसी खाद और दवाइयाँ पसंद नहीं है। यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत बुरी होती होंगी। क्या वे किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं कर सकते? वे किया करते थे। पहले किसान गाय के गोबर को खाद की तरह प्रयोग करते थे, मगर अब गाय और भैंसे भी कम हो गई हैं। इसीलिए वे फसल को बचाने के लिए इस बदबूदार और हानिकारक खाद तथा दवाई का प्रयोग करते हैं। मुझे पता है,
अब गाय और भैंसे भी कम हो रही हैं। आज हमारी गाय लक्ष्मी को बहुत चिंता हो रही है। आओ, तुम भी उससे मिल सकती हो। लक्ष्मी, यह भुट्टा है। यह कर्नाटक से आया है। नमस्ते भुट्टे, तुम कैसे हो? नमस्ते लक्ष्मी, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। लक्ष्मी, भुट्टा ठीक है, क्योंकि पापा माँ मौसी ने उसका बहुत ध्यान रखा है। मगर भुट्टे, तुम भी चिंतित दिख रहे हो। हाँ, वह इसलिए क्योंकि आजकल खेती में बहुत बदलाव आ गया है। हाँ, कुछ अच्छे भी हैं, मगर कुछ फसल के लिए बुरे भी हैं। अब खेतों में फसल के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं है। ठीक कहते हो, फसल के लिए पानी भी कम है और मिट्टी भी इससे प्रभावित हो रही है। पहले नहरों से मिलने वाला पानी फसल के लिए पर्याप्त हुआ करता था। संभाले हुए बीजों को बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती थी। मगर आजकल किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नए बीजों को उगने के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है। नहरों का पानी काफी नहीं होता, तो जमीन के बहुत नीचे से पानी खींचने के लिए किसान पंप का प्रयोग करते हैं। ठीक कहा, अब मिट्टी पर भी असर दिखाई देता है। पहले मेरे पिताजी खेत को तब तक जोतते थे जब तक वह बढ़िया और नरम न हो जाए। किसान विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की फसल बोते थे, इसीलिए मिट्टी बढ़िया और नरम थी। मगर आजकल किसान सिर्फ वही एक दो फसल उगाते हैं जिनका दाम बाजार में अच्छा हो, तो इसीलिए वे एक ही फसल को बार बार उगाते हैं। वे खाद का भी प्रयोग करते हैं। कुछ किसान इसे जरूरत से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से मिट्टी पर भी बुरा असर हो रहा है। मुझे पता है कि यह ठीक नहीं है। इन सभी बीजों, खादों और बिजली के पंप की बहुत कीमत होती है। पिताजी के दोस्त बाबूलाल चाचा ने बैंक से कर्ज भी लिया था। वे आजकल बहुत उदास हैं। वे परेशान और गुस्सैल भी हो गए हैं। कर्ज? कर्ज क्या है? जब कोई कार्य करने के लिए तुम्हारे पास धन न हो और तुम्हें उसके लिए धन की जरूरत होती है, तब तुम बैंक में बात करके मांग सकते हो। बैंक तुम्हें जो धन देता है उसे कर्ज कहते हैं। जगदीश चाचा भी गांव के लोगों को कर्ज देते हैं। बस वे साहूकार हैं। साहूकार के बजाय बैंक से कर्ज लेना ही अच्छा रहता है। साहूकार हमेशा ब्याज अधिक लेते हैं, इसलिए कर्ज हमेशा बैंक से लेना ही बेहतर होता है। इसीलिए किसानों को वही करना चाहिए जो पापा माँ करती हैं। वे हमेशा अगले मौसम के लिए बीज बचाकर रखती हैं। आरंभ में लोग उनकी बात नहीं सुनते थे। वे बाजार से नए बीज खरीदते रहते थे, मगर पापा माँ ने इन बीजों और खाद को खरीदने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल अपने संभाले बीजों का ही प्रयोग किया। भुट्टे, तुमने बताया कि इन बीजों को उगने में
कम पानी की जरूरत होती है। यह तो बहुत आसान है। हमारे देश के कई स्थानों पर पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती। नए बीजों का प्रयोग करने से किसानों को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक कहा, यही तो हुआ। पापा माँ की फसल ठीक से बढ़ने लगी। आज वे ताजी, रसीली और हरी सब्जियाँ, प्याज, मूंगफली, रागी और अनेक फसलें उगाती हैं। अब उनके गांव के बहुत से लोगों ने संभाले हुए बीजों का प्रयोग आरंभ कर दिया है। ओह, यह तो अच्छी बात है। फिर तो सभी लोग विभिन्न फसलों की अच्छी कटाई करते होंगे। ठीक कहा, अब पापा माँ ही गांव के बीज बैंक को संभालती हैं। गांव के सभी लोग मिलकर बीजों को संभालने के बारे में बात करते हैं। वे खेती की विभिन्न तकनीकों और बीजों का आदान प्रदान भी करते हैं। खेती की तकनीकें, तकनीक क्या है? बस तकनीक का मतलब है किसी कार्य को करने के लिए विशेष तरीका या प्रक्रिया। खेती की तकनीक का मतलब है खेती करने का तरीका। कार्य को करने का तरीका? फिर मेरे पास शहद पीने का तरीका है, क्या यह भी तकनीक है? हाँ बस, तुम्हारी तरह सभी फूल से शहद नहीं पी सकते। तुम्हारे पास ऐसा करने की विशेष तकनीक है। तो तकनीक का मतलब है किसी काम को करने का तरीका। ओह, यह तो अच्छी बात है। पूरा गांव मिलकर खेती की तकनीक पर बात करता है। पापा माँ अवश्य ही उन्हें बीजों को संभालने की तकनीक भी बताती होंगी। ठीक कहा बस, उन्होंने एक संघ बनाया है और सभी लोग विभिन्न प्रकार के बीजों को बचाते और संभालते हैं। अब उनके गांव में एक अच्छा बीज भंडार है। बीजों को मर्तबान में संभाल कर उस पर नाम लिखा जाता है। किसानों को विभिन्न प्रकार के बीजों के लाभ बताए जाते हैं। भुट्टे, क्या किसानों को ये बीज दिए जाते हैं? हाँ मीनू, किसानों को बीज दिए जाते हैं, मगर इसकी एक शर्त है। इन्हें लिए हुए बीजों से दुगने वापस करने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया, इस प्रकार सभी लोग बीज बचाते होंगे। ठीक कहा, अब गांव में सभी लोग प्रसन्न हैं। मुझे देखो, मैं पापा माँ के खेतों में उगा हूँ। मैं संभाले हुए बीज से बना हूँ। क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? ओह, तुम तो बहुत सुंदर हो भुट्टे। तो क्या उनकी मिट्टी नरम है और उन्हें खाद का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता? ठीक कहा बस, उनके खेत की मिट्टी भी नरम है। वे रासायनिक खाद द्वारा मिट्टी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। वह खाद स्वयं बनाती हैं। भुट्टे, क्या वे इसे केंचुए से बनाती है? हाँ मीनू, मगर तुम्हें केंचुए के बारे में कैसे पता चला? जब मैं नगर में अपने चाचा के घर गई थी, तब मैंने वहाँ देखा था। उनके बगीचे में एक गड्ढा था। वे इसमें सूखे पत्ते और सब्जियों और फलों के छिलके डालते थे। उस गड्ढे में वे कुछ केंचुए भी डाल देते थे। इन केंचुओं ने कूड़े को प्राकृतिक खाद में बदल दिया। केंचुए यह सब कैसे करते हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ बस। केंचुए मिट्टी के सबसे अच्छे मित्र हैं। वे मिट्टी को लगातार खोद कर
नीचे सुरंग बनाते रहते हैं। इससे हवा और पानी आसानी से मिट्टी में पहुंच जाते हैं। इससे मिट्टी नर्म और बहुत बढ़िया हो जाती है। केंचुए सूखे पत्ते और अन्य प्राकृतिक कचरा खा भी जाते हैं। इसके बाद वे ऐसा पदार्थ छोड़ते हैं जो खाद बन जाता है। ओ, तब तो ये प्राकृतिक खाद है। यह तो बहुत अच्छी है। तो पापम्मा को बदबूदार खाद का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ठीक कहा बस। उनके बगीचे को केंचुए द्वारा प्राकृतिक खाद मिल जाती है। वे बहुत समझदार हैं। वे यह भी जानती हैं कि उनके बगीचे के किस भाग में अधिक पानी चाहिए। उन्हें यह कैसे पता चलता है? हम कैसे जान सकते हैं कि बगीचे के कौन से भाग को अधिक पानी देना है? मैंने तुम्हें बताया था कि वे समझदार स्त्री हैं। उन्होंने अपने बगीचे में क्रोटन के पौधे भी बोए हैं। क्रोटन के पौधे की जड़ें लंबी नहीं होती। वे जमीन में बहुत नीचे नहीं जाती। तो जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन के पत्ते सूख कर मुरझा जाते हैं। इससे संकेत मिल जाता है कि उन्हें बगीचे के उस भाग में अधिक पानी देना है। ओ भुट्टे, वह सचमुच एक समझदार किसान है। भुट्टे, मुझे नहीं पता था कि बीजों को बचाना और संभालना किसानों के लिए इतना अच्छा होता है। पापम्मा को बीज बचाने और फसल उगाने की अच्छी जानकारी है। ठीक कहा मीनू। वे अन्य गांव में घूम घूम कर किसानों को बीज संरक्षण की जानकारी भी देती है। मुझे लगता है कि किसानों को संरक्षित बीजों का प्रयोग सीखना चाहिए। ये बीज हमारे ही खेतों के होते हैं और हमारे बहुत सारे पैसे भी बचाते हैं। नहीं तो किसान कर्ज लेते रहेंगे और ऋण के जाल में फंसते जाएंगे। ऋण का जाल क्या है मीनू? किसान खेती के खर्चों के लिए कर्ज लेते हैं। लाभ ना मिल पाने के कारण वे कर्ज लौटाने में असफल रहते हैं, तो वे और अधिक कर्ज लेते हैं। इसी तरह वे ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं। भुट्टे, पापम्मा कितनी फसल काटती हैं? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? मैं तो तुम्हारे घर पूरा का पूरा आ गया। मेरे कुछ दोस्तों को मिल में पीसकर आटा बनाने के लिए ले जाया गया है। पीसने के लिए? क्यों? बस भुट्टे की मकई को पीसकर आटा भी बनाया जाता है। याद करो, माँ मकई के आटे की रोटी बनाती है। भुट्टे को बड़ी मिलों में ले जाया जाता है। मकई के दानों को पीसने के लिए बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ओ, तो मक्के का आटा इस तरह से बनता है। मीनू, तुम पिताजी को भी संरक्षित बीजों का प्रयोग करने को कहो, फिर उन्हें भी अच्छी फसल मिलेगी। ठीक कहा। मैं सोचती हूँ कि पिताजी और हमारे गांव के अन्य किसानों को पापम्मा से मिलकर उनके गांव का बीज बैंक देखना चाहिए। वे ऐसा ही कुछ अपने गांव में भी आरंभ कर सकते हैं। जरूर, पापम्मा बहुत खुश होगी।
वे बहुत भली स्त्री हैं। वे बीज बचाने और संभालने के बारे में सब कुछ बता देंगी। भुट्टे आओ, चलो भीतर चलें। तुम हमारी दादी माँ, पिताजी और माँ से मिल सकते हो। वे तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। मित्रों, तुम्हारे यहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है? क्या तुम्हारे गांव में कोई बीजों को बचाता और संभालता है? क्या तुम घर जाकर अपने पिताजी से पूछोगी कि वे बीज संभालते हैं या नहीं? अगर वे नहीं करते तो उन्हें पापा माँ के बारे में बताना कि वे किस प्रकार बीजों को इकट्ठा करके रखती हैं। तुम गांव के बड़ों को केंचुओं से बनने वाली प्राकृतिक खाद के बारे में भी बता सकते हो। दोस्तों, तुम में से कितने बच्चे बड़े होकर किसान बनना चाहते हैं? क्या तुम अपने हाथ खड़े करोगे? देखो, मेरा हाथ भी खड़ा है। मैं बड़ा होकर किसान बनना चाहता हूँ। क्या आप तोते को बताएंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही कौन सा है और गलत कौन सा है? यदि मिट्टी सूखी हो तो क्रोटोन का पौधा सूख कर लटक जाता है। सही। भुट्टे से आटा नहीं बन सकता। गलत। जो किसान कर्ज लेकर उसे लौटा नहीं पाते, वे कर्जे की दलदल में फंस कर रह जाते हैं। सही। केंचुए कूड़े कचरे को खाद में परिवर्तित करते हैं। सही। रासायनिक खाद नुकसान नहीं पहुंचाते। गलत। क्या हम रिक्त स्थान भरने में चिड़िया की मदद करें? सूदखोर के बजाय से कर्ज लेना बेहतर होता है। बैंक सूदखोर के बजाय बैंक से कर्ज लेना बेहतर होता है। बीज को बढ़ने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। जमा किए हुए बीज को बढ़ने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है।
पुराने जमाने में किसान केमिकल फर्टिलाइजर की जगह का इस्तेमाल करते थे। गोबर पुराने जमाने में किसान केमिकल फर्टिलाइजर की जगह गोबर का इस्तेमाल करते थे। आजकल खेत की खुदाई के लिए ज्यादातर का उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर आजकल खेत की खुदाई के लिए ज्यादातर ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। एक अच्छे बीज पिछली फसल से अगली फसल के लिए बचाकर रख देता है। बीज की बचत करने वाला एक बीज की बचत करने वाला अच्छे बीज पिछली फसल से अगली फसल के लिए बचाकर रख देता है। कुछ गांव में बीजों को बचाकर में रखा जाता है। बीज बैंक कुछ गांव में बीजों को बचाकर बीज बैंक में रखा जाता है। जमा किए बीज किसानों को तभी दिए जाते हैं जब वे लिए गए बीजों के बदले लाने का वादा करते हैं। दुगनी बीज जमा किए बीज किसानों को तभी दिए जाते हैं जब वे लिए गए बीजों के बदले दुगनी बीज लाने का वादा करते हैं। क्या आप कटाई से जुड़े उत्सवों को सही राज्यों के साथ जोड़ने में बस की मदद करेंगे? पोंगल, तमिलनाडु, बिहू, असम, लोहड़ी, पंजाब, भोगी, आंध्र प्रदेश, मकर संक्रांति, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओणम,
केरल। दोस्तों, इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। तैयार रोटी। फसल की कटाई, आटा गूंथना, रोटी बेलना, गेहूं का अनाज, आटा, अनाज की पिसाई, रोटी सेंकना, अनाज को गाहना। दोस्तों, गेहूं खेत से प्लेट में रोटी तक कई चरणों को पूरा करती है। क्या आप इसे सही श्रृंखला में रखने में मेरी मदद करोगे? फसल की कटाई, अनाज को गाहना, गेहूं का अनाज, अनाज की पिसाई, आटा, आटा गूंथना, रोटी बेलना, रोटी सेंकना, तैयार रोटी। फसल की कटाई, अनाज को गाहना, गेहूं का अनाज, अनाज की पिसाई, आटा, आटा गूंथना, रोटी बेलना, रोटी सेंकना, तैयार रोटी। क्या अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें? आप उत्तर अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। पुराने जमाने में किसान खेत की खुदाई कैसे करते थे? पुराने समय में जब किसानों को खेत तैयार करना होता था, तो वे अधिकतर बैलों से खेत में हल चलवाते थे। आजकल खेतों की खुदाई कैसे की जाती है? आजकल कुछ किसान अभी भी बैलों का प्रयोग
खेतों की खुदाई करने के लिए करते हैं, मगर ज्यादातर किसानों ने खेतों की खुदाई करने के लिए ट्रैक्टरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। बीज रक्षक या बीज बचत करता कौन है? बीज रक्षक वह किसान है जो पिछली फसल से अच्छे बीज जमा करके रखता है और अगले साल बुवाई के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। बीज रक्षक बीजों को किस तरह बचाता है? प्रत्येक फसल की कटाई के बाद बीज रक्षक अच्छे बीज चुनकर बचा लेता है, फिर इस्तेमाल के समय तक उन बीजों को मिट्टी के घड़े में बचाकर रखता है। आजकल किसान बीज कहाँ से लाते हैं? आजकल ज्यादातर किसान नए बीज बाजार से खरीद कर लाते हैं। बचाकर रखे हुए बीज बाजार के बीजों से किस तरह बेहतर होते हैं? बचाकर रखे हुए बीजों को बढ़ने के लिए बाजार से खरीदे बीजों से कम पानी की जरूरत होती है। बाजार में बिकने वाले बीजों में आसानी से कीड़े लग जाते हैं। बाजार में बिकने वाले बीज महंगे भी होते हैं, इसीलिए बचे हुए बीज बाजार के बीजों से बेहतर होते हैं। रासायनिक खाद क्या होती है? वह किस प्रकार इस्तेमाल होती है? कभी कभी कीड़े फसल को बर्बाद कर देते हैं। रासायनिक खाद वो दवा है जिसे पौधे पर छिड़कने से कीड़ों द्वारा फसल बर्बाद होने से रोकी जा सकती है। क्या आप तकनीक शब्द का अर्थ जानते हैं? तकनीक वो तरीका है जिससे हम किसी कार्य को करते हैं, जैसे खेती की तकनीक का अर्थ है खेती करने का तरीका। क्या आपको लगता है कि केचुए मिट्टी के अच्छे दोस्त होते हैं? क्यों? केचुए मिट्टी के अंदर खोदकर सुरंग बनाते हैं, इससे मिट्टी नरम हो जाती है और उसमें पानी व हवा आसानी से जाती है। केंचुए सूखी पत्तियां व पौधे खा लेती है और पेड़ों से गिरी चीजें स्वाभाविक खाद में परिवर्तित हो जाती हैं।
इसीलिए केंचुए मिट्टी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, पता करें कि ये अलग अलग अनाजों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। आटा, बेसन, चावल का आटा, मक्के का आटा। अच्छा मित्रों, फिर मिलेंगे। अलविदा।